गया में भाजपा नेता मुकेश सिंह द्वारा मुस्लिम बाहुल्य करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान के बसने का बयान पर सियासत तेज हो गई है। इसमें राजद भी कूद पड़ी है तो मामला और गर्मा गया है। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुकेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है, कोई भी संतुलित व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं दे सकता। बकौल मुकेश, करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसा है और जिला प्रशासन को पता नहीं, यह बहुत गंभीर मामला है। किसी व्यक्ति से किसी का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को टारगेट करना यह नाकाबिल ए बर्दाश्त है। राजद नेताओं ने कहा, यह मोहल्ला हिंदू मुस्लिम दोस्ती का संदेश भी देता है। एक मुसलमान ने अपने हिंदू मित्र के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, ऐसी मिसाल कहाँ मिलती है? राजद नेता ने भाजपा नेता मुकेश सिंह पर FIR मांग की है। की राजनीति के बहाने करीमगंज पर रोहिंग्या मुसलमान का आरोप लगाया गया, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, नगर निगम के बहाने जो रोहिंग्या मुसलमान का नाम जो मुकेश सिंह ने जो लगाया, एक अंदर की बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अभी से 20 दिन पहले नगर निगम में एक बोर्ड की बैठक हो रही थी, जिसमें ये मुकेश सिंह अचानक ये पहुंच गया मुंह पर मास्क लगा के। बहुत सारे लोग, हम लोगों ने तो उसको पहचाना भी नहीं कि कौन शख्स है। वकील का ड्रेस में वो आए थे, टाई वगैरह बो वगैरह लगाए हुए थे, तो हम लोग को लगा कि कभी कभी बोर्ड के मीटिंग में लोग आ जाया करते हैं अपना कोई एजेंडा किसी मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे समझ में यही बात आई, लेकिन कुछ लोगों को बात लगता है कुछ ज़्यादा ही समझ में आया। उन लोगों ने इनको मना किया कि नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। तो जब हमें समझ में आया कि ये प्रेम कुमार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर आए थे, जबकि इससे पहले बहुत सारे मीटिंग को प्रेम कुमार हमारे माननीय मंत्री नगर विधायक ने आके प्रतिनिधित्व किया है वहाँ पर। हम सारे लोगों को बहुत खुशी हुई कि एक नगर के विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करने में बहुत सुकून लोगों को मिलता है। बहुत सारी बात, अपने मुद्दे की बात, कुछ ज़रूरियात नगर निगम से मुतल्लिक जो बातें हैं वो अपने सामने रखते हैं, तो उसके एवज में वो भी अपनी बात को बताते हैं, करते हैं, तो खुशी होती थी। लेकिन ये अचानक जो वहाँ पर पहुँच गए, तो ये भी एक सोची समझी साजिश समझ में आता है। क्योंकि वहाँ ऐसा है कि जैसे काउंसलर के भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों को भी शौक है, ये ख्वाहिश है कि जब भी मीटिंग हो तो हम लोगों को भी अंदर मीटिंग में बुलाया जाए, बैठाया जाए। तो ये वहाँ पर लागू है नहीं, प्रतिनिधि को लागू नहीं है, उसके लिए अलग से हो सकता है कि शायद कोई एक प्रोग्राम बने या उसको कोई एक अमेंडमेंट पेश किया जाए जिसमें प्रतिनिधि भी आ सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमान और साथ साथ ये कहना कि करीमगंज से पार होने पे गला कटने का खतरा होता है, इसको लेकर के RJD क्या करेगी? क्योंकि RJD आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो RJD का क्या इस पर रोल रहेगा? RJD का तो रोल इस पर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नहायत ही गंदी बात और गलत बात जो है, आपको एक भाजपा प्रवक्ता के मुंह से बोलवाया गया। तो राजद के पदाधिकारी को, बड़े बड़े जो उच्च कोटि के जो ऊँचे कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, उन लोग को चाहिए कि इस पर जो है उसको लगाम लगाने की बात की जाए और उनसे ये कहा जाए, प्रेम कुमार से बोला जाए, या फिर जो आला अधिकारी भाजपा के हैं उनसे भी ये बात को प्रोटेस्ट के तौर पर रखा जाए कि इस किस्म का गंदा राजनीति आप लोग ना करें। एक मिली जुली सारे हिंदू मुसलमान वहाँ पर मिलजुल करके रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर मुस्लिम ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद वहाँ पर है, लेकिन हिंदू भी वहाँ पर रहते हैं, और कभी भी किसी गैर मुस्लिम को या हिंदू परिवार को कभी किसी मुसलमानों के तरफ से कोई ठेस पहुंचाने का कोई भी काम नहीं किया गया आज तक। तो इस किस्म का बात, ये रोहिंग्या की बात कर करके जो है, ये बहुत बड़ी ठेस लगाने वाली बात है। देखिए, ये बयान जो भी दिया गया है मुकेश सिंह जी के द्वारा, ये काफ़ी निंदनीय है। और जिस तरह गया शहर में सारे लोग, सारे धर्म के लोग सद्भाव से रहते हैं, आपसी भाईचारा बना कर रहते हैं, तो ये सीधा सीधी इसको इसी तरह माना जाए कि वो इस शहर के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में ये कर रहे हैं, आगामी चुनाव को देख करके कर रहे हैं या खुद के नाम को विस्तार करने के लिए कर रहे हैं, ये तो वही जाने, या किसी के बहकावे में आकर कर रहे हैं। पर ये जो भी उन्होंने कहा है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, और हम तो यही चाहेंगे कि आगे इस पर इस तरह से संज्ञान लिया जाए कि आगे कोई भी नेता या किसी भी पार्टी का हो, इस तरह की बात दोबारा नहीं करें।
करीमगंज में कई दूसरे धर्म के भी लोग रहते हैं, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, मतलब जो करीमगंज द्वारा एक मोहब्बत का पैगाम दिया गया, मोहन श्रीवास्तव को मुस्लिम बहुमत इलाके से लाया गया और उन्हें चुनाव जिता के भेजा गया, क्या यही मेन कारण है जिस तरह से बीजेपी नफरत फैला रही है? देखिए, भाजपा की राजनीति का धरातल क्या है ये किसी से छुपा नहीं है, और किस एजेंडे के तहत वो चुनाव लड़ती है, चुनाव को विस्तार करती है और चुनाव की तैयारी करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। उसका अपना एक रणनीति है और उसी रणनीति के तहत ही उन्होंने इस तरह के चीज़ों को लोगों के बीच लाने का प्रयास किया है, और इसको कहीं ना कहीं आगामी चुनाव से देखा जाए। और ये एक तरह का पर्सनल वेंडेटा भी है, आप कहिए कि नाम सिर्फ करीमगंज है पर निशाना कहीं और है, और क्योंकि जिस पे निशाना है वो कहीं ना कहीं करीमगंज से जुड़े हुए हैं, वहाँ विकास का काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो अब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो इस तरह का बात कहना और ख़ुद के नाम चमकाने से लोग परहेज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बोल कर पछता भी रहेंगे और उनकी पार्टी भी इस चीज़ पर विचार करेगी कि इस तरह के लोगों को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया जाए। 48 घंटे हो गए पार्टी किसी नेता का खंडन नहीं किया गया उनके बयान पर, तो क्या कुछ पार्टी तो मिल रहा है? देखिए, मैंने तो कहा कि भाजपा की राजनीति का धरातल क्या है, तो अगर 48 घंटे के बाद भी पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व या किसी नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि मुकेश सिंह के द्वारा दिया गया बयान गलत है, तो आप समझ जाइए कि तैयारी क्या है। जिस तरह का तैयारी है उसी तरह का स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसी तरह के उस स्क्रिप्ट पे पॉइंट बाय पॉइंट काम किया जाता है, तो आप इस चीज़ को समझिए और लोग भी समझ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी जहाँ की भाजपा की राजनीति विभाजनकारी रहती है, सांप्रदायिकता पे ही रहती है, हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने वाली रहती है, तो ये उसी की तैयारी है और आगामी विधानसभा चुनाव में से इसको जोड़कर देखा जा सकता है। औसित राजनीति का एक हिस्सा है, वहाँ हिंदू भी है मुसलमान भी है, हिंदू हर मतलब आप जाकर देखिएगा तो कुम्हार गली में वहाँ है हिंदू, ठीक है, उनको तो ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ, अगर वो महसूस होता तो वो भी आके बयानबाजी करते जो कि इनसे बहुत पहले से वहां लोग रह रहे हैं। तो इस तरह का सिर्फ अपना वो राजनीति पारी चमका रहे हैं और कुछ नहीं, वो हालांकि हमारे कई सालों से यहाँ पे प्रेम कुमार जी विधायक रह चुके हैं, इस तरह से कभी बयानबाजी हिंदू मुस्लिम नहीं किया उन्होंने। क्या लगता नहीं कि इमरान अहमद की गलती हो गई कि उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया और उसके बाद बीजेपी के निशाने पर वो आ गए? अगर हिंदू मुस्लिम को गले लगाना ये नफरत है तो फिर भाई ये नफरत ही सही।